मिक्स दालों की आज हम बनाएंगे मिक्स दालें, जिसमें चना है, माश है और मसूर और मूंग की दाल, जो कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी और झमझमी बनती है। तो चलें शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाला देसी फूड। लाला देसी फूड आप लोगों के साथ हाज़िर है। दोस्तों आज की जो हमारी रेसिपी है वह है, हम मिक्स दालें बनाएंगे जिसमें है मसूर की दाल, मूंग दाल, चने की दाल और माश की दाल। ये चारों दालें जो मिक्स होती है बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती हैं। ये अमूमन होटलों के अंदर बस बार बनाई जाती है या घरों के अंदर। तो आज की जो बनाते हैं दाल, इसको सबसे पहले कर लेते हैं बॉयल। तो चले, ये दाल हमने बॉयल कर ली है, इसको तकरीबन ये गल चुकी है। ये चारों दालों को जो है हमने बॉयल कर लिया है। अभी एक से दो मिनट इसको और मज़ीद बॉयल करेंगे और इसके बाद इसको उतार देंगे और फिर बनाते हैं मसाला और झटपट में तैयार करें। या दाल को जो है ना बॉयल करके आप जो है ना डीप फ्रीज कर, ठंडा करके डीप फ्रीज करके रख लें। जब भी आपने दाल वगैरह का खाना है, आपने चस्का लेना है, तो दाल को फ्राई करें और इन्जॉय करें। तो अभी हम बना लेते हैं। चलें जनाब, दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है क्योंकि हमने पहले ही इसको बॉयल करके चढ़ा दिया था। बिल्कुल चने की दाल का मसाला था वो गल चुकी है। तो अभी मसाला बना लेते हैं और फिर बनाएंगे मज़ेदार और टेस्टी टेस्टी दाल। ये ना जनाब कढ़ाई हमने चढ़ा दी है माशाल्लाह, और चूल्हे को भी ऑन कर लिया दोबारा। अभी इसमें घी डालेंगे। तकरीबन 100 ग्राम हमने घी डाल दिया। चला जनाब घी गर्म हो गया। अभी हमने चॉप किया हुआ एक प्याज डाल देंगे, इसको हल्का सा ब्राउन कर लेंगे माशाल्लाह। इसको जरा ब्राउन करते हैं। चलें जनाब प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अभी हम चॉप किया हुआ जाना बिल्कुल क्रश पेस्ट बनाया हुआ टमाटर डाल देते हैं। दो अदर टमाटर डाल दिए ताकि जल्दी हो जाए। अभी इसको करेंगे फ्राई अच्छी तरह और साथ में हम शामिल कर देंगे दूसरे मसाले भी। चलिए हल्का सा हमने फ्राई कर लिया टमाटरों को। अभी डाल देंगे पेस्ट अदरक का, लहसुन का एक एक चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया हमने, कूट के रखा हुआ था वो डाल दिया। अभी मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह और इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे। चलिए अभी बाकी मसाले डाल देते हैं। एक चम्मच जो है ना रेड चिल्ली डालेंगे, सर्फ मिर्च डाल देंगे एक चम्मच और हल्दी जो है ना तकरीबन आधी चम्मच और नमक डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग। तकरीबन आधी चम्मच हमने नमक डाल दिया। अभी इसको करेंगे मिक्स। थोड़ा सा लगाएंगे पानी ताकि मिर्च जो है ना अच्छी तरह मिक्स हो जाए। बस अभी इसको मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट इसको जो है ना अच्छी तरह बनाई कर लेंगे इसकी। माशाल्लाह टेस्टी टेस्टी लोग खाना शुरू हो गई है हमारी मिर्ची की। ये जब दोस्तों मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है, अभी हम इसमें शामिल कर देंगे जो हमारी मिक्स दालें हैं, चने की, माश, मसूर की दाल और मूंग की दाल। ये डाल देंगे और बनाएंगे यमी यमी और टेस्टी दाल। दाल बॉईल की हुई है, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। ये लें जनाब हमारी दाल अभी हमने डाल दी। अभी हमने सिर्फ 4 से 5 मिनट इसको पकाना है तो ये दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और इसके बाद गर्म मसाले डालें, सब मिर्च और सब धनिया की गार्निश करें और इन्जॉय करें। अभी करते हैं वेट 4 से 5 मिनट तो ये पक जाए। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारी आज की जो रेसिपी है मिक्स दालों की बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी इसको करते हैं डिश आउट और फिर करेंगे गार्निश। माशाल्लाह बहुत ही झमी झमी लुक है। दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी इसके अंदर शामिल करेंगे हम कुटा हुआ मसाला, ज़ीरा डाल रहे हैं। ज़ीरा हमने डाल दिया, सब मिर्च डाल देते हैं और सब धनिया डाल देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी होगी।
सब्ज़ धनिया भी डाल दिया, सब्ज़ मिर्ची और ज़ीरा, जो कि ये दाल जो है ना मिक्स दाल बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है। आप पराठे बनाएं या चपाती के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार। तो उम्मीद है कि मेरे YouTube फैमिली में हमारी आज की भी रेसिपी पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। जो दोस्त नए आते हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लें। प्रेस करने का यह फायदा होगा जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक मैसेज पहुंच जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर किसी नई रेसिपी नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।